हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट के बारे में हमने वही डिस्कशन किया था, बीम के बारे में। वही हमने डिस्कशन किया था रे के बारे में। वही हमने डिस्कशन किया था ऑब्जेक्ट के बारे में, और साथ में हमने मीडियम के भी बारे में डिस्कशन किया था। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 देखना चाहिए। मात्र 24 मिनट का लेक्चर है, बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है। अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम शुरू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि ये बात जो शुरू होगी वो रिफ्लेक्शन से ही शुरू होगी। क्या मैंने कहा था कि जो बात शुरू होगी सेकेंड लेक्चर की वो रिफ्लेक्शन से शुरू होगी, यानी कि परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है और ये सेशन चल रहा है 24-25। बहुत ही गजब, बहुत ही खूबसूरत सेशन चल रहा है। इस पूरे हम फिजिक्स को रिकवर करेंगे, ख़त्म करेंगे, जानते हैं कब तक? जून और जुलाई। जुलाई में हम पूरे फिजिक्स यानी चारों चैप्टर को फिनिश कर देंगे, पांचों चैप्टर को फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम इसको रिवीजन करेंगे, आ जाएंगे केमिस्ट्री पर, आफ्टर दैट बायो पर, ठीक है ना? तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। हमारा अगला टॉपिक है, शुरू जो करना है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, जल्दी बोलो, सोचो एक बार कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। एक बार और प्रकाश देखो, मेरे बताने पर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि रिवीजन चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप, रिवीजन चल रहा है। और प्रीवियस लेक्चर में जो हमने ऑफलाइन क्लासेस लिया है, ऑफलाइन में हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको, जल्दी बोलो क्या करेंगे इसको, जल्दी बोलो, हाँ रिवीजन करेंगे, लेकिन ब्रीफली रिवीजन करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको, उनके लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए। चलो देखो, अगर कोई लाइट रेज है या बीम ऑफ लाइट है, क्या है? अगर कोई बीम ऑफ लाइट है और वो किसी पॉलिश्ड सरफेस पर या इंटरफेस पर, किसी पॉलिश इंटरफेस पर इंसिडेंट होता है, और इंसिडेंट होने के बाद में सेम मीडियम में क्या हो जाता है, बाउंस बैक कर जाता है, क्या हो जाता है, बाउंस बैक कर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। मैंने क्या कहा व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ हाईली पॉलिश या यू कैन से दैट पॉलिश इंटरफेस आफ्टर इंसिडेंस बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, आर यू कैन से दैट दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आप कह सकते हैं कि जब किसी बीम ऑफ लाइट को किसी पॉलिश सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर, चिकने सरफेस पर क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, इंटरफेस पर इंसिडेंट कराते हैं, और इंसिडेंट होने के बाद वो वापस उसी माध्यम में चली आती है, तो इस फेनोमेना को, इस घटना को हम क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जल्दी बोलो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। मेरे साथ कॉपरेट ऐसे करते रहना है, नींद आ जाएगी, बैठ के अगर वीडियो खाली देखेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए क्या करेंगे आप, ऐसे जो चीज़ें हम बोल रहे हैं वैसी ही चीज़ें आप रफ निकालिए और लिखते जाइए, रफ निकालिए और लिखते जाइए। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस भी होता जाएगा और तैयारी भी, ठीक है ना? एक फिगर बनाते हैं, देखिए ये फिगर है, इसको एक साइड से हमने हाईली पॉलिश कर रखा है, इस साइड से हमने हाईली पॉलिश किया है, और इधर से कोई बीम ऑफ लाइट ला करके हम इंसिडेंट कर देते हैं। चलो देखो, ये लाइट हम क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, और जो लाइट इंसिडेंट की जाती है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। जल्दी बोलो क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये आफ्टर इंसिडेंस बाउंस बैक हो जाती है, वापस चली जाती है इसी मीडियम में, इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियरिटी आई रही? अब ये जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होता है उस पर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, क्या करते हैं, एक अभिलंबवत, इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, एक लाइट इंसिडेंट कराया जाता है, आपतित किया जाता है, गिराया जाता है किसी सरफेस पर, उससे जो लाइट वापस होती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ये लाइट वापस चली जा रही है और उस पर एक अभिलंब यानी नॉर्मल, एक अभिलंब यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं या अभिलंब कहते हैं। हो सकता है आपकी बुक में ऐसा फिगर ना हो करके ऐसा कुछ फिगर हो, ये भी वही फिगर है, ठीक है ना, डोंट वरी। ये इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, आई आर, इंसिडेंट रे। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, आर आर, रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम कहते हैं नॉर्मल, कैपिटल एन, ठीक है ना।
अभी हम इसकी प्रॉपर्टी भी बताएंगे, बस थोड़ा सा वेट करो। तो हमने क्या कहा कि अगर किसी सतह पर किसी लाइट को, बीम ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं किसी इंटरफेस पर, और उसके बाद वो वापस उसी माध्यम में चला जाता है। देखो वापस ये उसी माध्यम में चला गया। ऊपर एक मीडियम है जिसे हम कह सकते हैं, ऊपर का जो मीडियम है वो मीडियम वन है, और इसके ऑब्जेक्ट के इसके नीचे का जो मीडियम है इसको हम कह सकते हैं मीडियम टू। ध्यान से देखो, इंसिडेंट होने के बाद मीडियम वन से ही आया था और वन में ही वापस चला गया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। कुछ चीज़ें और भी बता दिया हमने, हमने कहा ये जो आई आर है इंसिडेंट रे, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। जो जा रही लाइट होती है वापस, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। और ये जो तीसरा पॉइंट है जो नॉर्मल है, इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंबवत या नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये सतह के ये लाइन परपेंडिकुलर है, सतह के ये लाइन परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर लाइनें होती हैं उसको आप परपेंडिकुलर मैथ में ऐसा दिखाते हो, इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो इसके दो रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं, जल्दी बोलो। यानी कि अब हम कह सकता हूँ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखते चल रहे हो कि नहीं ये बता दो पहले। फील आनी चाहिए, आप ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन क्लास ले रहे हो तब मजा आएगा, तब आप इसका अच्छे से आनंद ले पाओगे। जिंदगी में कभी ना भूलने की सबसे बड़ी कला क्या होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन। चलो आओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो ही लॉज हैं। कितने लॉज हैं, जल्दी बोलो, दो। कितने, हाउ मेनी लॉज, टू लॉज आर लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट अ पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। एक ही इंटरफेस पर ये तीनों पाए जाते हैं, कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर, एक ही इंटरफेस पर पाए जाते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट अ पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर, एक ही इंटरफेस पर ये तीनों बिंदु एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। ये तीनों चीजें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। इसे हम कहते हैं पहला लॉ। दूसरा लॉ होता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किसके बीच में करते हैं ये भी जानो। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस यहां जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ, समझ में आ रहा है क्या। और यही कहा इन्होंने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ आर। अभी कल याद करो, कल मैंने लाइट की कुछ प्रॉपर्टी बताया था, हमने कहा था फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी चेंज विद चेंजिंग द मीडियम। फ्रीक्वेंसी कभी भी, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी बदल नहीं सकती मीडियम, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच मीडियम बदले, दस मीडियम बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कभी चेंज नहीं हो सकती, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। ये दिमाग में आप अपने बैठा लो कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी नहीं बदलती। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, बार बार बोलता हूँ, जा करके उसको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने लाइट के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, हमने बीम के बारे में, रेज के बारे में, बीम ऑफ, बीम की प्रॉपर्टी के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में बहुत ब्रीफली हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ये हो गया। चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि इस रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। शुद्ध हिंदी में समझो, कोई सतह है, हाईली पॉलिश्ड है, और उस पर कोई लाइट इंसिडेंट किया जाए, और इंसिडेंट होने के पास उसी इंटरफेस से वापस वो ऑब्जेक्ट उसी मीडियम में चली जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के वनली 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 टू लॉज हैं। कितने लॉज हैं, टू लॉज हैं। फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी, इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट अ पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर पाए जाते हैं और एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। ध्यान से देखो, ये वही बिंदु है और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? POI, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। समझ में आ गया? क्या बोला मैंने कि इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इसी बिंदु पर P पर, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P है, इसी P बिंदु पर इंसिडेंट रे भी होता है, इसी बिंदु पर रिफ्लेक्टेड रे भी होता है और इसी बिंदु पर नॉर्मल भी होता है। उसी इंटरफेस पर होता है जिस इंटरफेस पर आप लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो। दूसरा, हमने आपको लॉ बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब आपतन कोण बराबर होता है हमेशा किसके, परावर्तन कोण के। आपतन कोण क्या होता है? हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब समझो, अच्छा थोड़ा सा और भी ये भी बता दूं आपको कि आपतन कोण परावर्तन कोण बताया है अभी मैंने, आपतन कोण परावर्तन कोण किसके बीच मेजर किया जाता है? ये जो अभिलंब है और ये आपतित किरण, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, जैसे ये नॉर्मल है और ये क्या है, इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड रे है इसलिए क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर होगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। समझ में आ गया? यानी सेकेंड लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बातें एकदम क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है जल्दी बताओ। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट करो, उसके बाद तब आगे बढ़ो। लेक्चर 1 आप देख चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 2। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में जाकर आपको देखना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि अगर लेक्चर 2 बहुत अच्छे से समझना है तो लेक्चर 1 यानी बेस यानी नींव अपनी खड़ी करनी पड़ेगी। चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। ये जो आपने इंटरफेस देखा है जिस पर लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हो, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कुछ चीजों पर हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक एक पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे, तब तक एक्सप्लेन करेंगे जब तक आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो एग्जाम में कभी कभी वेरी शॉर्ट आंसर में ये आ जाते हैं, कभी कभी वेरी शॉर्ट आंसर में ये आ जाते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या यू कैन से दैट डिफाइन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ भी 2-3 पॉइंट आ जाएगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर भी एक्सप्लेन करेंगे हम, वही नॉर्मल पर भी डिस्कशन करेंगे कि नॉर्मल क्या चीज़ें होती हैं। बता तो सब दिया है पर अगर फिर से पॉइंट आ रहा है बुक में, इसका मतलब बहुत डीपली आपको जानने की जरूरत है। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, इंसिडेंट रे। क्या? इंसिडेंट रे। अगला पॉइंट आ रहा है आपका रिफ्लेक्टेड रे। अगला पॉइंट आ रहा है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगला पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देख लो आप, बराबर दिख रहा है आपको नीचे? ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिख रहा है, हम ऐसा बना लिख रहे हैं, ठीक है ना, देख लो एक बार, ठीक है ना, क्लियर एकदम। चलो आओ अब हम इन चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद तब हम प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन पर भी बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, इस पर भी डिस्कस अभी कर लेते हैं, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अरे भाई, जिस सरफेस पर आपने लाइट को इंसिडेंट किया है, जिस सरफेस पर आपने लाइट को इंसिडेंट किया है, जिससे लाइट बाउंस बैक हो रही है, वही सरफेस तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दूसरा पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस बिंदु पर, अभी हमने POI कहा था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस बिंदु पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, जिस बिंदु पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, जहां से वो वापस आ रही है उसी बिंदु पर गिरती है, उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है उसी पॉइंट से वापस आ जाती है, वही पॉइंट होता है एंगल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल, जो आपका सरफेस होता है, जो इंटरफेस होता है जिस पर लाइट आप इंसिडेंट करते हो, उसके जो नॉर्मल, जो अभिलंबवत होते हैं, जो उससे 90 डिग्री पर खड़ा एक लाइन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं।
ये भी मैं कह सकता हूँ कि जिससे आप एंगल को मेजर करते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस लाइन से आप मेजर करते हो दैट इज नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अरे जो एंगल बनता है किसके बीच में, सॉरी इंसिडेंट रे, जो लाइट आप इंसिडेंट करते हो सरफेस पर दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो वापस जाती है, बाउंस बैक होती है उसी मीडियम में, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन सारी चीज़ों को ब्रीफली हमने बताया है, फिर आ जाओ अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या अब हम बात, हाँ एक चीज़ और, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे भाई जिस सरफेस पर, जिस इंटरफेस पर लाइट इंसिडेंट करते हो दैट इज नोन एज, यू कैन से दैट स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस इज ऑलवेज नोन एज प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस सरफेस पर आप लाइट इंसिडेंट करते हो जिससे रिफ्लेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसी सरफेस को हम कहते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियरिटी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या क्या समझ में आया, कितना पॉइंट क्लियर हुआ, उसके आगे बढ़े जल्दी 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 जल्दी, जब तक कमेंट नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। किसकी, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एकदम समझ लो आप, जीरो से मैं सिखा रहा हूं आपको, एकदम जीरो से। रिफ्लेक्शन बेटा दो प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा हमारा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। जल्दी बोलो, पहला क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, जल्दी बोलो, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। अरे भाई रेगुलरली मतलब जिस तरीके से पैरेलल लाइट आ रही है वैसे ही रेगुलर, जैसे आ रही है वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही है, उस लाइट ऑफ उस रिफ्लेक्शन की लाइट को हम क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट जितनी भी रेज होती हैं, ध्यान देना, जितनी भी रेज होती हैं इंसिडेंट होती हैं वो सारी आपस में पैरेलल होती हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये पैरेलल ही वापस चली जाती हैं। ये अगर आपको टेढ़ा दिखे तो समझ लेना गड़बड़ है, बाकी ये हमने क्या बनाया है, पैरेलल ही बनाया है, क्योंकि मेरे पास स्केल तो है नहीं, मैं स्केल से नहीं बना रहा ना, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, पर ये क्या है, ये एक रेगुलर रिफ्लेक्शन का फिगर है। जल्दी बोलो ये क्या है, रेगुलर का फिगर है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखो, ये जितनी भी लाइटें आई हैं, चार लाइटें आई हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये चारों आपस में पैरेलल हैं, और जब ये वापस हो रही हैं पी क्यू आर एस, तो ये चारों क्या हैं, ये भी वापस जाते टाइम भी क्या हैं, पैरेलल हैं। अच्छा एक बात बोलूं, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन पॉसिबल कहाँ है तो क्या बोलोगे, सोचो थोड़ा सा और, सोचो एक बार और, एक बार दिमाग लगाओ। अरे बड़े भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन सरफेस पर पॉसिबल है, गलती से रफ सरफेस हुआ, गलती से कर्व्ड सरफेस हुआ, तो कभी भी रेगुलर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। फिर से एक बार दिमाग में बैठना चाहिए ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन किस सरफेस से पॉसिबल है, प्लेन एंड स्मूथ, प्लेन एंड स्मूथ, स्मूथ तो होना ही है, स्मूथ होगा तभी रिफ्लेक्शन होगा, अगर स्मूथ नहीं है तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, जिसे आप काउंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, रेगुलर की, तो रेगुलर हमेशा प्लेन सरफेस से पॉसिबल है, किससे पॉसिबल है, प्लेन से पॉसिबल है। लेकिन वहीं अगर हम इररेगुलर की बात करें तो इररेगुलर किसी भी कर्व्ड प्लेन से भी पॉसिबल है, कर्व्ड सरफेस से भी पॉसिबल है। मैं दिखाता हूं करके, ये तो रेगुलर हो गया, आओ देखते हैं, एक हमने कर्व्ड फिगर बनाया। अच्छा अगर कोई लाइट यहाँ इंसिडेंट होती है, यहाँ इंसिडेंट होती है, यहाँ इंसिडेंट होती है, यहाँ इंसिडेंट, चार लाइनें हमने इंसिडेंट किया है, यहाँ जो लाइट इंसिडेंट होगी ध्यान से देखना, ये सेम एंगल बना के चली जाएगी, ये इंसिडेंट रेज है, ये जो जाएगी वो ये भी जाएगी सेम एंगल बना के, ये भी जाएगी सेम एंगल बना के, ध्यान से देखना, वहीं जो ये जाएगी ये भी सेम एंगल बना के जाएगी। लेकिन ध्यान से देखो ये चारों क्या हो रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करती जा रही हैं। क्या बोला मैंने, कि ये दोनों एक दूसरे को, और कभी भी प्लेन सरफेस नेवर वी इंटरसेक्ट टू ईच अदर,
जो प्लेन सर्फेस होती हैं उससे रिफ्लेक्टेड लाइट नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता, ये एक दूसरे से हमेशा प्रॉपर डिस्टेंस में चलती हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, कोई रेलवे ट्रैक है, अगर रेलवे ट्रैक एक दूसरे से मिल जाए तो क्या ट्रेन आगे जाएगी? इसीलिए तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। क्या सड़क के दोनों किनारे कभी आपस में मिल गए हैं? कभी कोई सड़क का किनारा बताना कि जो आपस में मिल गए हो और वो चलती सड़क हो। ऐसा नहीं कि आप अपने गांव में या अपने घर में ही एक सड़क बना रहे हो, बस ले जाके ऐसे मोड़ दिए हो। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो चलती रोड हो उसके दोनों किनारे इकट्ठा मिला देना, कभी पॉसिबल है क्या? ये चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इररेगुलर रिफ्लेक्शन में भी ये पॉसिबल है, बाकी रेगुलर में कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। इनके बीच के एंगल्स बराबर देखो डिफरेंट है, यहाँ कुछ और एंगल, आई आर सेम है। और एक बात बता दूँ, चाहे वो रेगुलर सरफेस हो या इररेगुलर सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो या कर्व्ड सरफेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई ऑलवेज बी इक्वल टू आर। आई और आर हमेशा बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन इररेगुलर रिफ्लेक्शन दूसरी चीज है, लेकिन अगर आप ये कहो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कभी बदल जाएंगे, कभी नहीं बदलेंगे, सरफेस आपका कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला, क्या बोला मैंने, कि सरफेस आपका कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वो आई और आर में कभी परिवर्तन आ जाए कभी नहीं हो सकता। ऐसा मत कभी पाना या बोल देना कि मतलब आई और आर कभी इक्वल नहीं होगा इसमें। अरे इसमें आई आर हमेशा बराबर है, पर एक आई आर दूसरे आई आर तीसरे आई आर चौथे आई आर के बराबर नहीं है। यहाँ क्या है, पहला आई आर दूसरा आई आर तीसरा आई आर चौथा आई आर, ये सब एक दूसरे के बराबर है, बस अंतर इतना सा है। क्या बोला मैंने, ये एक दूसरे के बराबर है, बस अंतर इतना सा है, और ये किसी के बराबर नहीं है। तो जल्दी बोलो, रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं बेटा? अभी मैंने बताया दो टाइप्स के, पहला बताया रेगुलर और दूसरा बताया इररेगुलर। जल्दी बोलो, मैंने अभी बताया कि रेगुलर एंड इररेगुलर। क्लियरिटी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है, जल्दी बोलो। अब हम बात करेंगे मिरर की, जल्दी बोलो किसकी बात करेंगे, मिरर की। एक बार मैं देख लूँ कितना टाइम हुआ, देखो बहुत लंबा शूट नहीं करने वाला मैं वीडियोज़ को, बहुत लंबा शूट मैं करने वाला नहीं हूँ वीडियोज़ को, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको देखते रहेंगे और चलते रहेंगे कि कितना हम चलने वाले हैं। अब बात आती है किसकी, 24 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा का सेशन मैं प्रयास करूंगा ना लूँ। हाँ, कभी टॉपिक बहुत शानदार चल रहा हो और मूड बना हुआ हो, और अगर आप ये मूड सोचें कि हम 24 मिनट पर रोकेंगे 25 मिनट पर, कभी पॉसिबल नहीं है। मेरी क्लास तो घंटों चलती है, लोगों को पता भी है। अगर मेरा मूड बना हो तो एक दिन में एक चैप्टर भी रिकवर करने की पोटेंशियल, जल्दी बोलो, रखता हूँ। जल्दी बोलो क्या करता हूँ, एक दिन में एक मतलब कंटिन्यू करके एक चैप्टर रिकवर करने का पोटेंशियल रखता हूँ। अब ये डिपेंड आप पर करता है, कितना देर आप रुकोगे, रुकोगे या दगोगे, ये डिपेंड किस पर करता है, जल्दी बोलो, आप पर। अब हम बात करने वाले हैं मिरर की, किसकी बात करेंगे। अच्छा मिरर किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट तो अभी आपने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के टाइप्स आपने देखा, ध्यान से देखना। अभी जब आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था तो ऑब्जेक्ट देखा था, आपने कहा था ऑब्जेक्ट थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स आपने जल्दी बोलो क्या होता था, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, ट्रांसपेरेंट। दूसरा आपने क्या कहा था, जल्दी बोलो, ट्रांसलूसेंट। तीसरा आपने क्या कह दिया था, ओपेक, कहा था आपने, जल्दी बोलो। अरे भाई जो ट्रांसपेरेंट है इसी को एक साइड हाईली पॉलिश कर दो ना, ये ट्रांसपेरेंट है, इधर से उधर दिख रहा है, या आपकी गाड़ी का फोर व्हीलर का शीशा आगे से पीछे दिख रहा है, जो आप अपना चेहरा देखते हैं जिस मिरर में वो भी ट्रांसपेरेंट ही होता है। नहीं विश्वास आ रहा है, प्रूफ कर देता हूँ। आपके मम्मी की शादी कब हुई थी आज के, कम से कम 20 साल पहले, 15 साल पहले, सही है ना, 15 साल पहले मम्मी की शादी हुई थी। आपके मम्मी को आपके नाना जी ने एक मिरर दिया था, आलमारी दिया था, कुछ दिया होगा ऐसा, श्रृंगारदान वगैरह, उसमें शीशा लगा हुआ था, वो शीशा आज धुंधला हो गया है। चेक करो, आज घर जाना चेक करना कि वो धुंधला कैसे हो गया, एक साइड से अभी तक जब मम्मी को मिला था तो बहुत साफ दिख रहा था, एकदम चेहरा फेस क्लियर था, पर अभी उस फेस को देख रही है तो क्लियर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो पॉलिश लगा था वो खराब हो गया है। ओहो क्या बात बोला, कि उसके पीछे जो पॉलिश लगा था वो खराब हो गया है, उसी को क्या करो आप, उसी पॉलिश को एक बार साफ करा के फिर से पॉलिश करा दो, फिर से ये आज के 20 साल 25 साल पहले वाले मिरर के जैसा बिहेव करने लगेगा, एकदम नीट एंड क्लीन आपको दिखाई देने लगेगा आपका फेस। समझ में आया? तो वही क्या है, ट्रांसपेरेंट को एक साइड से पॉलिश कर दो तो क्या हो जाता है, जल्दी बोलो, मिरर बन जाता है। कोई भी ट्रांसलूसेंट है, कोई ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, उसको भी एक साइड से हाईली पॉलिश कर दो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो,
मिरर हो जाएगा। कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है उसको भी खूब जबरदस्त क्या कर दो, साइन कर दो, खूब जबरदस्त रब करके उसको क्या कर दो, साइनिंग ले आओ। जैसे आपने मार्बल का नाम सुना होगा, मार्बल क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट ही है, पत्थर, मार्बल, संगमरमर क्या है, ओपेक है, लेकिन अगर हम उसको खूब जबरदस्त तरीके से पॉलिश कर दें तो चमक आ जाता है उसमें। कभी आपने ध्यान नहीं दिया, आपने बुलेट देखा है, बुलेट देखा है आपने, बुलेट में जो उसका वो होता है बॉडी, जो बॉडी होती है उस बॉडी को आपने देखा होगा, जो अच्छे लोग होते हैं जो मतलब बुलेट का शौक रखते हैं वो उसको पॉलिश करा के चमक लाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पसंद होता है, वो खूब पॉलिश कर दो तो चमक आ जाता है। जी हाँ, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो हाईली पॉलिश कर दो क्या हो जाता है, चमक आ जाता है। जितना स्मूथ हो जाएगा उतना ज़्यादा उससे चमक आने लगेगा। मार्बल में फेस देख सकते हो, ब्लैक मार्बल हो और आप फेस देख सकते हो, खूब पॉलिश कर दो, देख लो ना अपना चेहरा। तो इस तरीके से हम बात करने वाले हैं मिरर की, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, आज नहीं। मिरर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, आखिर प्लेन मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर क्या होता है, क्या ध्यान से देखना, प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, आखिर प्लेन के कितने टाइप्स होते हैं, स्फेरिकल के कितने टाइप होते हैं, क्या कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कोई अलग मिरर है या इसी से रिलेटेड है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफली जानने के लिए आपको लेक्चर नंबर 3 देखना होगा। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं हिट किया है और कमेंट करके नहीं बताया है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, तो गलत किया है। अभी क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और अपना प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करें और लाइक करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।